अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे भाई आए हैं आज नए। इनका नाम, आपका नाम क्या है भाई? अमान। क्या नाम है? अमान। अमान अमान क्यों है भाई? यूं ही तो है वो, इसलिए नाम बुलाने के लिए यार, तो रखते वो बात आपकी सही है। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहे हैं अपने फिलहाल। क्यों आ रहे हो? ऐसे ही आ रहे हैं तफरी करने। मतलब क्यों फिर भी भाई? ऐसे ही क्या मतलब, क्यों का क्या, क्यों का कोई जवाब ही यार नहीं। देखो आपकी बात सही है, आप घर से आ रहे हो, लेकिन क्यों क्यों आते हैं? हर बंदा घर से क्यों आता है? कोई ना तो कोई तो मकसद रीजन होता होगा। है, कोई ना कोई तो फिर वो होती। मैं यही तो चाह रहा हूँ कि आप रीजन बताएं कि मैं यूं आया हूँ भाई घर से। आने की वजह यही है ना हमारी, हम आते हैं यहाँ पे भाई की शॉप है, इधर खत बनाते हैं माशाल्लाह से, बड़ा इनका काम हमें पसंद आता है। तो क्या मतलब है, क्या पसंद आता है? काम पसंद आता है? हाँ, काम भाई ऐसा क्या करते हैं कि बगलों की शेप बनाते हैं क्या? नहीं, बगलों की नहीं बनाते, वो कान के बाल साफ कर देते हैं सारे। ये बात भी सही है। क्या बात, अपना क्या नाम है? बातें सुना सुना के? बातें जरूर, बातें सुनाते हैं वो बहुत। अच्छा, तो भाई भी आप देख रहे हैं कि ये हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, इनका नाम है अमान। कहाँ रहते हो? मैं घर में रहता हूँ। किसके? अपने। आप लगता तो नहीं, आपकी शक्ल से आपका घर होगा। बाले में रहता हूँ, कभी कभार घर में रहता हूँ। इस तरह आपकी कंडीशन है, लगता नहीं है मेरे को कि आपका घर होगा कोई। ये बात भी सही है, आपका भी घर पता नहीं लगता। कपड़े पूरे नहीं पहने हुए आपने तो। वो असल में आधे जो बच्चों ने खींच लिए थे। हाँ, आधे बच्चों ने खींच लिए थे कपड़े। चप्पल भी देखो, 2 रुपए वाली पहने वो। 2 रुपए, अगर एक जीरो और लगा दो तो 200 रुपए की हो गई चप्पल ये। अच्छा, हाँ ये बात भी सही है। आप आस्तीन पहने हो आप तो? भाई मेरी मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूँ, मैं नंगा आ जाऊँ। ये बात भी सही है फिर, लेकिन नंगा आना नहीं, गलती से आवाम कूटेगी कम घसीटेगी ज्यादा। ये बात भी सही है। और सुनाओ? और सब मजे में ठीक ठाक। आप सुनाओ, क्या गुजर रही है जिंदगी आप? मैंने और सुनाने का बोला। हाँ तो भाई उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह क्या, हम पे क्या रशिया का करम है? हम पे भी तो अल्लाह का ही करम है। तभी तो मैंने कहा ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकसद यही है कि सब ठीक। हाँ ये बात भी सही है, हम तो खैरियत से ही हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, काफी दिनों बाद आए हो। बेटो भगवान का काम है क्या? ये फायरिंग कर रहे हो क्या इतनी देर से? देखो आप बीच में मत पड़ो, वरना आप ये दोनों फायरिंग आपकी तरफ आ जाएंगी। काम तो आप पे चलेंगे, घूमने में टाइम नहीं लगता यार। ये क्या मस्ती मजाक लगा रहा तुम लोगों ने, सैलून है यहाँ पे, तुम लोग रोकाना आके बैठ गया। तो यार भाई लोगों को कोई लाइक वाइक नहीं करेगा ये मैं बता दूं? नहीं यार, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? दुनिया करेगी लाइक यार, क्यों नहीं करेंगे? जैसा तो आप कह रहे हो ना, सब करेंगे लाइक। अभी क्या बातें चल रही थी? अच्छा तुम लोग दोबारा, मैं इनके हाल अहवाल पूछ रहा था। किसके हाल पूछ रहे हो? मैं इनके हाल पूछ रहा था, क्योंकि इनके हाल हम कर सकते हैं। तो यही मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ये बोलना अल्लाह का शुक्र है उस सूरत पे भी। शुगर है? हाँ इनको शुगर है ना, ये डॉक्टर के पास टेस्ट कराने का है, आज उन्हीं का इलाज हो रहा है डॉक्टर का, उसको लग गई शुगर इनकी। हाँ और आपकी? मैं तो फिलहाल मुझे तो बड़ा गर्म। हाँ तो यही तो बोलना, मेरा तो पूछने की जरूरत ही नहीं आपको, आपको मेरा पूछने की, बाकी आप भी किसी। हाँ तो अरबाज भाई आप अभी क्या समाचार, मतलब क्या चैनल चला रहे थे आप? क्या समाचार भाई? चैनल तो मैं कौन सा चुराने जो आपका बिगना होगा ना, यही तो बता रहा हूँ। माँ का दुआ चुराना मेरी, जो माँ की दुआ तो तुम्हें हो ही नहीं सकती, बाप की बद्दुआ हो सकती है। हाँ ये तो है, तो ये खत्म हो गई। अब बताओ कौन सा चुराने दूसरा? चूरन तो है एक, लेकिन उसका नाम बता नहीं सकता मैं। तुम क्या पहली दफा वीडियो में? अगर आपको बताया जाए तो आप बताइए नाम जरा चूरन का। बड़े लिख के सुलझे लोगे हम। हाँ सुलझे, सुनिए चुपोगे बिठाया नहीं ना वो असल में नहीं आया है, नहीं आ रहा, चाकू की नोक पे बैठ गया। ये फर्क है सारा, चाकू की नोक पे बैठ गया। अगर हिल गया ना तो वो चाकू बैठ के आना सूझ गया, ये सूझ गया। देख लो उसकी सेहत, देख गाइस भाई कोई कमी नहीं बंदा है। हाँ इसको हम दिखाएंगे आपको वीडियो के अंदर, ये जो वीडियो बना रहा है इसको भी दिखाएंगे, इसकी शक्ल दिखाएंगे, नजर ऊपर आएगी, यकीन करो। एक तो और बात भाई आप सुनो, तो मतलब यहाँ सीन कुछ ये है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इस कमीन बंदे को भी थोड़ा कैमरे में दिखा दे। हाँ जाहिर सी बात है, इसको लाएंगे तो क्या पता कुछ लाइक फॉलोअर मिल जाए हमारे, नजर उतर जाएगी हमारे चेहरे की। इसी बात पे, इसी बात पे इस कमीन बंदे को मैं लेकर आता हूँ जाके। जल्दी से जाओ, ले आओ ले आओ ले आओ। भाई ये मनुष्य शख्सियत है ये जो अभी मैं लेकर आया हूँ, ये वीडियो बना रहे हैं देर से। आप हैं इतनी देर से वीडियो बना रहा था, पूछ पला पड़ा है
खुद नाई है, इसके अपने बाल लगाते हैं। हाँ पैसे नहीं है इसका, बाल कटाने के पैसे ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलाम क्यों कर रहा, मजार पे आया। मैं आपका अपना मेजबान मुजाहिद इकबाल। मेरे भाई रमजान ट्रांसमिशन न चल रही, कमर सिला इसकी, कमर सिला, अदरक अदरक। ये मेरी अपनी एक टीम है, तू क्या हमारा अब्बू है, टीम का एक ही है, सब अपने अपने पैरों पे खड़े हैं हम। ये हाँ भाई, मेरी ब्लॉगिंग टीम है, तो मैं आप लोगों से, ये हमारा ब्लॉग आज का कंप्लीट हुआ, तो बेसिक इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप लोगों से इनको मिलवाना था। ये आज हमारी टीम के जो मेंबर हैं चार, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए, इनसे सिर्फ आप लोगों को मिलवाना था। और नेक्स्ट ब्लॉगिंग जो आप लोगों के साथ प्रैंक और फनी वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे, तो मैं मुजाहिद इकबाल और मेरी टीम की तरफ से आप लोगों के, पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो इसने बोला है हम इसकी टीम है और हम इसके ब्लॉग का हिस्सा है, तो हम इसके ब्लॉग का हिस्सा क्यों, इसके ब्लॉग को क्या धक्का लगाना पड़ता है पीछे से, हम इतने सारे बंदे गाइस हम सिर्फ इसके साथ आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ना भूलें बेल आइकन, इसके केने पर दबा दें यार कुछ ना जाए।